चलिए गाइस एक जिंदगी की पहेली पूछता हूँ। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर तीन लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी, और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ दो लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे, ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए, और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइस ऐसे अमेजिंग प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए गाइस एक बहुत ही मजेदार लेकिन बुद्धिमान सवाल पूछता हूँ, और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। सवाल ये है कि रोहन मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जून में आता है, अब ये कैसे संभव है, यही आपको बताना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच लो, और सोचने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना, मेरे आंसर से मैच करना और फिर चैट सेक्शन में लिखना कि आपने सही बताया था या गलत। पॉज कर लिया, सोच लिया, मैं बताऊं तो चलो सुनो। रोहन मई में पैदा हुआ था। मई यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम है और वो जून में जन्मदिन अपना बनाता है, तो सही तो है। मई में पैदा हुआ और जून में जन्मदिन आता है, सही है ना? गाइस ऐसे अमेजिंग सवालों के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।